आजकल न्यूज चैनल्स में, अखबारों में, यानी अगर शॉर्ट में कहे तो खबरों में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड हर तरफ छाया हुआ है। आज के वीडियो में मैं इसी पर आपके साथ चर्चा करूंगा। वैसे आप तो आज तक इसके बारे मतलब यूसीसी के बारे बहुत कुछ जान गए होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये कैसे एक ट्राइबल समाज पर आए तो असर करेगा। इतिहास के साथ नमस्कार। यूनिफॉर्म सिविल कोड और इसके असर और अंजाम को समझने के लिए हम इसे थोड़ा बहुत, मैं तो कहूंगा इसे बहुत अच्छी तरीके से, यानी यूसीसी को बहुत अच्छी तरीके से समझनी होगी। अगर हमारा ज्ञान सही नहीं हो तो हम रस्सी को सांप समझ सकते हैं, रसगुल्ले को बॉम्ब समझ सकते हैं और गीदर को शेर। लेकिन अगर हमारा नॉलेज सही हो तो हम सही तरीके से, अच्छी तरह से हर मसले को समझ जाएंगे। अब इसे समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब ये एक नेशनल इशू बन गया है। खास करके अगर आप स्टूडेंट हैं और आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, कम्पिटेटिव परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं तो कहूंगा कि इस वीडियो को आप मिस ही मत कीजिएगा। और ऐसे भी हम आम लोगों को भी ये बातें समझने की ज़रूरत है। यूसीसी को समझने के लिए हम इतिहास में थोड़ा वापस लौटना होगा और इसे जानना होगा। हमें कुछ बातें समझनी होगी और साथ में उनके असर को भी। तो चलिए उन दिनों लौट चलते हैं जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। 1608 24 अगस्त 1608 को अंग्रेजों ने सूरत में पहली बार अपना कदम रखा। और ये यहाँ आपको याद दिलाना जरूरी है कि अंग्रेज यहाँ भारत में शासन करने नहीं आए थे, बल्कि व्यापारी यानी बिजनेसमैन बनकर आए थे। और उनके पूरे रूल के दौरान ही उनका यही मकसद रहा। उन्होंने कभी भारत को अपना देश समझा ही नहीं और ना ही अपने फायदे के बगैर इसकी कभी तरक्की चाही। रेलवेज कहिए, एजुकेशन कहिए, कुछ भी हो, जब तक उन्हें अपना फायदा नजर नहीं आता ये कभी कुछ करते ही नहीं। अब जहां यूसीसी का सवाल है, ये भी उनकी तरफ से एक अनसुलझी गुट्ठी छोड़े जाने का नतीजा है। कैसे, आइए समझते हैं। आज के दिन भारत में और दुनिया में भी बेसिकली कानून तीन तरह के होते हैं, क्रिमिनल, कमर्शियल और सिविल। अंग्रेजों ने इन तीन कानूनों में से पहले दो कानूनों को बहुत बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज किया। यहाँ सेक्शंस, कोड्स अच्छी तरह डिफाइन किए गए। उदाहरण के तौर पर क्रिमिनल लॉज में CRPC, IPC, इन सबको डिफाइन किया गया और कमर्शियल लॉज में इनकम टैक्स एक्ट जैसे अधिनियम निर्धारित किए गए। मतलब था अगर कोई जुर्म करेगा, कत्ल, चोरी, डकैती या कोई भी टैक्स या एक्साइज से जुड़े क्राइम हो, तो उसे उसके गुनाहों के अनुसार सजा दी जाएगी। सजा एक ही तरह की होगी, चाहे आप किसी भी फलाना धर्म के हो, आपको आपके गुनाह के अनुसार आपकी सजा मुकद्दर की जाएगी। ये क्यों था? इसलिए था क्योंकि क्रिमिनल और कमर्शियल क्राइम्स ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और उनके इनकम दोनों पर सीधा असर करता। जहां तक सिविल अफेयर्स की बात आ जाती है, वो अनअल्टर्ड रहे। इसे अनअल्टर्ड, अनचेंज रखने के मुख्य तीन कारण थे। पहला, ये सिविल अफेयर्स जहां मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, बाकी फैमिली और रिलीजियस कम्युनिटी बेस्ड इश्यूज आते हैं, वे उन्हें यानी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्टली असर नहीं करता था, उनकी आमदनी को डायरेक्टली असर नहीं करता था, तो ये उनके इंटरेस्ट के दायरे से बाहर था। इसीलिए उन्होंने इस तरफ कभी सुधार लाने के लिए ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई नहीं। दूसरा कारण, अंग्रेज का भारत पर राज करने का सबसे बड़ा हथियार था भारतीय समाज में सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। इसी के आधार पर उन्होंने भारत में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का बहुत अच्छा स्कोप देखा और इसे इम्प्लीमेंट भी किया। एंड with no much surprise they were successful in doing so and thus were able to subjugate india and rule it for more than 200 years 200 saal se bhi zyada ab agar aise mein ve hindu musliman sab ke liye ek hi tarah ke kanoon late to wo us aadhar ko hi khatam kar dete jis aadhar par unhone bharat ko bharat ke samaj ko baant rakha tha teesra karan tha us waqt ke logon ke religious sentiments khair ye religious sentiments to aaj bhi hamare indian society mein bahut विविडली देखी जाती है। तो ब्रिटिश किसी भी समाज के खिलाफ जाकर अपने लिए बेवजह कोई भी दुश्मनी मोड़ लेना नहीं चाहते थे, जिसके कारण उन्हें भारत में अपना बिजनेस या एडमिनिस्ट्रेशन या एग्जिस्टेंस में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस आता या उनके लिए कोई भी खतरा पैदा करता। अब इन्हीं तीन कारणों से बेसिकली अंग्रेजों ने भारत में सिविल लॉ में कोई बदलाव नहीं किया। फिर अंग्रेज चले गए पर उनके बनाए गए कई कानून भारत में रह गए। और हमारे संविधान में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसकी नींव रखती है। कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कॉन्स्टिट्यूशन के 60% कॉन्स्टिट्यूट करती है। जहां हम कानून की बात करते हैं, यहां फंडामेंटल राइट्स की बात तो आ ही जाती है, जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 31 तक हमारे राइट्स के बारे में बताता है। और जहां फंडामेंटल राइट्स की बात आ जाती है, वहां हमें अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को भी समझने की जरूरत है, इसे जानने की जरूरत है।
और मेरे हिसाब से राइट से पहले हमें अपनी ड्यूटी को समझनी चाहिए। मेरे बड़े भाई अक्सर कहा करते हैं कि पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटी को पूरी करो, फिर अपने राइट्स की बात करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ अपने राइट्स की ही मांग करते रहें और अपनी जिम्मेदारियां बिल्कुल ना निभाएं। तो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ हमें अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जाननी होगी, ये हमारा कर्तव्य है। खैर, हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज और उससे रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स पर भी कभी किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, फिलहाल यूसीसी पर लौट आते हैं। अब देखिए, पहले तो ये समझिए कि यूसीसी अब इतना बड़ा भवाल क्यों है। बीजेपी सरकार के तीन बड़े इलेक्शन मैनिफेस्टोस में से एक था यूसीसी, बाकी दो को तो आप जानते ही, आर्टिकल 370 और राम मंदिर। आर्टिकल 370 स्क्रैप हो चुका है और राम मंदिर भी अभी करीब करीब एक सक्सेस है। वैसे यूसीसी का जड़ जो है लेकिन बीजेपी से जुड़ा हुआ नहीं है। इट डेट्स बैक टू द ईयर 1978 एंड भारतीय जनता पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1980, 6 अप्रैल टू बी प्रसाइज। ऑल्दो इट हैज इट्स ओरिजिन विद द भारतीय जनसंघ ऑफ 1951। मुझे पता है हम में से कई इसके बारे जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की फॉर्मेशन भी खुद एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। कभी मौका मिला तो इस पर भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल मैं कह रहा था यूसीसी का बवाल दरअसल काफी पुरानी है। इसके बारे आपको जानने के लिए 1932 में लौटना होगा, 1932, 51 साल, 91 years पहले। तो वह यह था कि उन दिनों एमपी मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बहुत ही नामी वकील रहा करते थे जिसका नाम था मोहम्मद अहमद खान। उनका निकाह शाहबानो नामक एक महिला से हुआ था, उनसे 5 संतानें हुई, 3 लड़के 2 लड़कियां। शादी के कुछ 15 साल बाद वकील अहमद खान ने दूसरी शादी कर ली, ये इस्लाम कानून के मुताबिक सही था। 1975 में पारिवारिक मनमुटाव के चलते, मतलब उनकी शादी के 43 साल बाद, 43 years बाद, शाहबानो को अहमद खान ने उनके बच्चे सहित डिसोन कर दिया, घर से बेदखल कर दिया। तब शाहबानो 62 साल, 62 years की हो चुकी थी। अब कोई चारा ना पाकर शाहबानो ने 1978 को CRPC 1973 के सेक्शन 125 के तहत कोर्ट में केस दर्ज कर दिया। अभी सेक्शन 125 CRPC क्या कहता है, इसके मुताबिक हस्बैंड को शादी के बाद, तलाक के बाद भी उनके वाइफ को उनकी वाइफ के खर्चे को उठाने होंगे, इसे लीगल टर्म में मेंटेनेंस कहते हैं। आपने इस संदर्भ में एलिमनी वोट भी सुना होगा, अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको इन दोनों टर्म्स के डिफरेंसेस भी बताई देता हूँ। दरअसल ये दोनों वोट ही हस्बैंड द्वारा वाइफ को अदा किए जाने वाले रकम को कहते हैं। बस फर्क इतना है कि एलिमनी को एक साथ दिया जाता है और मेंटेनेंस को एज अंडरस्टूड मंथली बेसिस पर। तो हाईकोर्ट ने शाहबानो को CRPC के सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस दिलाई। हालांकि अहमद खान ने शरिया यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, बड़े वकील थे। अब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या कहता है, शरिया या मुस्लिम पर्सनल लॉ तलाक यानी डिवोर्स के मामले में कहता है कि अगर मियां बीवी को तलाक दे देता है तो पति की अपनी पत्नी की तरफ जिम्मेदारी सिर्फ इद्दत तक ही रहती है। जो इद्दत के बारे नहीं जानते उन्हें बता दें, इद्दत उस पीरियड का नाम होता है जो एक मुस्लिम महिला तलाक या उनके पति के मृत्यु के बाद बिताती है। ये इस्लाम धर्म के अनुसार 89-90 days तक का होता है और एक पति अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद इसी पीरियड तक ही जिम्मा उठाएगा, उसके बाद नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को अपहोल्ड किया और अहमद खान को CRPC के सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस देने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह फैसला 3 फरवरी 1981 को सुनाई। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी। फिर 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या हो जाती है और उनकी जगह ले लेते हैं उनके बेटे राजीव गांधी। स्वर्गीय राजीव गांधी अभी राजनीति में नए ही थे कि उन्हें ऐसा आभास दिलाया गया कि अगर कानून, मतलब जो CRPC अंदर सेक्शन 125 का कानून है, अगर इसे नहीं हटाया गया तो ये मुसलमानों को नाराज कर सकता है और उनकी सरकार खतरे में आ सकता है। तो 1986 में कांग्रेस सरकार ने द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट पास किया जिसने CRPC 125 को ओवरटर्न कर दिया। विपक्ष ने इसे अपीजमेंट पॉलिसी भी बताया था, कई लोग इसके खिलाफ थे, बट इवेंचुअली फैक्ट ये था कि अब मुस्लिम महिलाओं को हक सिर्फ उनके फिर से शरिया द्वारा दिया जाएगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा दिया जाएगा। तो इस फैसले को मुकम्मल करने में दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का समर्थन किया था और मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाई थी। फिर 2001 में 15 साल बाद शाहबानो के वकील
डैनियल लतीफी ने द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिर से अर्जी डाल दी और इस एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो बहुत पेचीदा था। इसे कोर्ट ने बहुत ही इंटेलिजेंटली डील कर फैसला सुनाया। यह फैसला तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई वी चंद्रचूड़ के नेतृत्व में किया गया था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस्लामिक कानून में भी दरअसल मेंटेनेंस के खिलाफ कोई भी कथन नहीं है बल्कि इसके हक में है। उनकी बेंच ने ऑब्जर्व किया द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 के सेक्शन 3 क्लास 1 के स्टेटमेंट को लेकर कहा, जहां ये लिखा गया है, गौर से सुनिएगा, अ रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस टू बी मेड एंड पेड टू हर within the iddat period by her former husband. अब कोर्ट का जजमेंट इसी पर आधारित है। गौर से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको इससे पता चलेगा कि एक एक वर्ड कैसे कोर्ट में मायने रखता है। कोर्ट ने विदिन वर्ड पर फोकस करते हुए कहा कि ये जो इद्दत की पीरियड यहां एक्ट में मेंशन किया गया है वो मीन करता है इद्दत पीरियड के दौरान, मतलब इद्दत पीरियड के लिए नहीं। अगर इस सेंटेंस में विदिन की जगह फॉर लगता तो वो इद्दत पीरियड के लिए होता। इसमें उन्होंने इस पर इंटरप्रेट करते हुए कहा, इद्दत की जो पीरियड है वो तब तक कायम है जब तक कि वो महिला किसी और से शादी नहीं कर लेती, निकाह नहीं कर लेती, मतलब ये लाइफ लॉन्ग हो सकता है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम तब आई जब भारत की सरकार ने इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की सोची। जैसे कि मैंने पहले कहा, हमारे तीन कानून हमारे यहाँ तीन तरह से कैटेगराइज किए गए हैं, क्रिमिनल है, कमर्शियल है, सिविल है। अब बाकी दो कानून में यूनिफॉर्मिटी है, पर जो सिविल मैटर है उसमें अपने अपने पर्सनल लॉस चलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों का ही पर्सनल लॉ है, बल्कि हिंदुओं का भी अपना हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अब इसके आधार पर जब भी किसी हिंदू मैरिज में विवाद आता है तो इसका निवारण होता है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, चाहे वो मैरिज हो, डिवोर्स हो, एलिमनी हो, मेंटेनेंस हो, कुछ भी हो। और द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर बौद्ध, जैन, सिख समुदाय भी शामिल है, बाकी ईसाई और इस्लाम को इसमें शामिल नहीं किया गया। कहते हैं कि जे कृपलानी, जो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे, उन्होंने इस कानून का विरोध भी किया था जो धर्म के आधार पर देश को बांट रहा था। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का कंसेप्ट है, यह कहता है कि सभी धर्म और जात के एक ही कानून हो, जैसे कि आपके मैरिज हो, डिवोर्स हो, मेंटेनेंस हो और एडॉप्शन हो, इसमें बराबर हो। पर माइनॉरिटी ग्रुप इसे उनके रिलीजियस प्रोसीजर में इंटरफेरेंस मानते हैं। इसके प्रोपोनेंट का, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रोपोनेंट थे, उनका मानना है कि इस्लाम धर्म में महिलाएं जिन हक से वंचित हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड वो सारे हक उन्हें दिला देंगे, जैसे शाहबानो केस में हुआ था। इसी बात पर तर्क है। अब थोड़ा हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी समझते हैं। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी मेंशन है, एनश्राइंड है डीपीएसपी में, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में पाए जाते हैं, आर्टिकल 36-51। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में मेंशन है और दरअसल ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। हमें पता है फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो एनफोर्सेबल है, जस्टिसेबल है, यानी अगर ये आपको डिनाय किया जाता है तो इसे लेकर आप कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी हमारी जिम्मेदारी है, एनफोर्सेबल या जस्टिसेबल नहीं है। तो इसमें एक सवाल उठता है कि आखिर फंडामेंटल राइट्स की ही तरह डीपीएसपी को भी एनफोर्सेबल और जस्टिसेबल क्यों नहीं बनाया गया? अगर ऐसा होता तो कोई मसला ही नहीं रहता। देखिए, जब संविधान बनाया जा रहा था उस वक्त का माहौल बहुत अलग था। देश में स्थिरता, स्टेबिलिटी नहीं थी, लोग कंफ्यूज थे, राजनीति कम्युनल कलर ले रही थी, देश बट रहा था। अगर ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस की जाती तो उस वक्त के हालात को बद से बदतर कर देता, इसे और बुरा कर देता। और इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे डीपीएसपी में कई ऐसे कंसेप्ट एनफोर्सेबल नहीं बनाए गए, बल्कि उन्हें बाद में जब देश के हालात सुधर जाएं तो उस समय के देश के नागरिक के फैसले पर छोड़ दिया। मतलब अभी यूसीसी ही नहीं बल्कि डीपीएसपी के कई ऐसे प्रोविजंस हैं जिसे देश में लागू किया जाना चाहिए, जैसे आर्टिकल 47 के मुताबिक इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस और ड्रग्स को रोकना, हमारे अपने हिस्ट्रिकल मोनूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना वगैरह। ये पर एक दिन का काम नहीं है, इसमें समय लगेगा और हालात के अनुसार होगा।
लेकिन ये हमारी परम जिम्मेदारी बन जाती है कि हम हमारे देश के रूपरेखा तैयार करने वालों की महत्वाकांक्षाओं को मंजिल दें, रूप दें, दिशा दें। आई होप आप अभी UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे जान गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि आखिर मसला क्या है। अब आइए जरा समझते हैं, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड ट्राइबल एरियाज में लागू हो जाता है तो ट्राइबल्स पर क्या असर होगा। ट्राइबल्स की दुनिया एक अलग दुनिया होती है, उनकी जीवन शैली अलग होती है। दे आर केप्ट अनडिस्टर्ब्ड, उन्हें उनके रस्मों रिवाजों को ज़्यादा छेड़ा नहीं जाता बल्कि उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। हमारे देश में करीब 700 ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, 700, और अगर इनमें इनके रस्मों को बदला गया तो कई ट्राइबल समुदाय खो जाएंगे। इस खतरे को भांपते हुए हमारे देश के कई ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने UCC के खिलाफ आवाज़ उठाई। नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल ग्रुप्स इसके खिलाफ तो है ही, साथ ही देशभर के ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी UCC के समर्थन में नहीं है। इसके चलते सरकार ने भी कहा है कि नॉर्थ ईस्ट और बाकी ट्राइबल कम्युनिटीज़, देश के बाकी ट्राइबल कम्युनिटीज़ पर UCC लागू नहीं होगा अभी। लेकिन हमारे ट्राइबल समाज में भी अगर मैरिज में कोई दिक्कत आ जाती है तो एजुकेटेड लोग एजुकेटेड सेक्शन मेंटेनेंस वगैरह के इशू को लेकर ज़्यादातर मामलों में CRPC के सेक्शन 125 के तहत कोर्ट में केस दर्ज करते हैं। लेकिन अब इससे जुड़ा और एक सवाल आ जाता है कि क्या UCC के पार्लियामेंट में पास होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स को इसे कब तक लागू करनी होगी। अब जैसे कि आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं उस पर सेंटर का हक है, स्टेट लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं उस पर स्टेट का हक है, और तीसरा जो कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं उस पर स्टेट, सेंटर और स्टेट दोनों का हक है। मतलब अभी जो UCC है वो कंकरेंट लिस्ट का बेसिकली एक आइटम है। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट में पास होने के बावजूद भी ये स्टेट के प्रेरोगेटिव में रहेगा कि स्टेट में इसे इंप्लीमेंट करना है या नहीं। द स्टेट ऑफ गोवा इज एन एग्जाम्पल। अभी गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी एक स्टेट लॉ है जबकि अभी तक ये इंडियन पार्लियामेंट में पास ही नहीं हुआ। अब इसके आखिरी पार्ट को समझते हैं। UCC के क्रिटिक्स कहते हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी की बुनियाद पर, डेमोक्रेसी के बेस पर खड़ा है और हमें जब आर्टिकल 29 के मुताबिक एक एनफोर्सेबल और जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट दिया गया है जिसका क्लाउज 1 कहता है कि किसी भी भारतीय नागरिक की यूनिक लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या संस्कृति को, कल्चर को कंजर्व किया जाना चाहिए, प्रिजर्व किया जाना चाहिए, तो ऐसे में UCC एक माइनॉरिटी कम्युनिटी की प्रैक्टिस कल्चर को, जो कल्चर प्रैक्टिस की जा रही है उसे खतरे में क्यों डाल रहा। ऐसे में जैसे कि मैंने पहले कहा DPSP में कई ऐसे पॉलिसीज हैं जिसे लागू किया जा सकता है, तो इसे ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होनी चाहिए, राइट टू वर्क होनी चाहिए, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस भी एक प्रोविजन है DPSP में, वो होना चाहिए, और ऐसे बहुत प्रोविजन्स हैं जिसे लाया जा सकता है। अब इसी फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 14 भी है जो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। UCC के समर्थक कहते हैं अब आर्टिकल 14 के मुताबिक हर नागरिक को कानून की नज़र में बराबर होना है, पर शरिया में जो कानून है वो इस राइट के विरुद्ध है। मतलब CRPC 125 के तहत जहां देश की बाकी महिलाओं को इंसाफ मिल रहा है वहां इस्लाम धर्म की महिलाओं को नहीं मिल पा रहा। इसके अलावा आर्टिकल 15 के मुताबिक भारत में नागरिक को उनके हक के लिए रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, जबकि शरिया कानून मुस्लिम महिलाओं को धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, इन्हें इनके हक से वंचित करता है। जैसे मुस्लिम पुरुष एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं। पर 2019-21 की द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार पॉलीगेमी के मामले में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि इसके आंकड़े के करीब करीब हिंदू की भी है, और फिर ट्राइबल समाज में तो है ही। इन फायदों के अलावा यहां सभी धर्म के महिलाओं को एडॉप्शन के राइट्स मिलेंगे। दरअसल इस्लाम धर्म में महिलाओं द्वारा एडॉप्शन अलाउड नहीं है, दे आर नॉट अलाउड टू एडॉप्ट चाइल्ड। प्रॉपर्टी, खास करके जो स्पाउजल प्रॉपर्टी है उस पर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को बराबर का हक मिलेगा, चाइल्ड मैरिज रुक जाएगी तो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन बढ़ेगा। यहाँ मुस्लिम महिलाओं को एक खास फायदा है जहाँ सभी धर्मों के लिए तलाक लेने के कानून एक हो जाएंगे। द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 ने हालांकि ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया है, जो तलाक शरीर द्वारा लिया जाता था। फिर भी तलाक किनावा के जरिए भी वेरी इजी तलाक मुमकिन था,
जहां तलाक शब्द के इस्तेमाल किए बगैर ही इनडायरेक्ट मीन से मर्द औरत को मर्जी तलाक दे सकता था, अब यह भी खारिज हो जाएगा। जहां तक लेकिन राइट्स की बात आ जाती है, फंडामेंटल राइट्स की बात आ जाती है, हमारे संविधान में आर्टिकल 25 हमें हर धर्म और उससे जुड़े हर रिवाज को निभाने का राइट भी देता है। जाते जाते एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, अगर आप इंडिविजुअली किसी भी पर्सनल लॉ के तहत अपनी शादी को सोलेमनाइज नहीं करना चाहते हैं तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत अपनी शादी की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इसमें रिलीजन का कोई इशू नहीं है, धर्म का कोई फंडा नहीं है। ज़्यादातर इंटर रिलीजियस मैरिज करने वाले इसी एक्ट के तहत अपनी रजिस्ट्री करवाते हैं। अगर आप इसके अलावा इंटरेस्टेड हैं तो यूसीसी से जुड़े कुछ केसेस हैं, जैसे 2017 का शाहरेबानो केस, 2021 का मीना केस, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको एक अच्छा नॉलेज मिलेगा। मैं इंक्लूड कर सकता था पर वीडियो की लेंथ आपको बोर कर देती। तो ये कुल मिलाकर यूसीसी को लेकर जो इशू चल रहा है उसकी एक कंसाइज डिटेल मैंने अटेम्प्ट किया है। मेरा इस वीडियो के जरिए किसी को भी सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको इसकी जानकारी देनी है। अब पूरा मामला जब आप समझ ही गए हैं तो अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। जय हिंद।